नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में, यानी कि हमने जो है एचटीएमएल की सीरीज स्टार्ट की है। इसके दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन जाना था एचटीएमएल का। इसके अलावा हमने कुछ टैग और जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जाना था। और इसके जो अगले लेक्चर है यानी कि भाग तीन यानी कि पार्ट थ्री में हम पढ़ने वाले कौन कौन से टैग के बारे में, इमेज टैग मतलब हमारा जो वेब पेज है उसमें इमेज को कैसे लाते हैं, और जो वेब पेज है उसमें हम टेबल पे काम कैसे करते हैं, यानी कि टेबल में सारी चीजें उसके एट्रीब्यूट और इमेज के जो टैग है और उसके एट्रीब्यूट, ये सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमेज की। तो जैसे कि इमेज जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि हम अगर बात करें वेब पेज की, तो वेब पेज में अगर ओनली आप टेक्स्ट टेक्स्ट रख दिया जाए तो आपका वेब पेज उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना कि आप इमेज को लाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इमेज एक प्रकार से आकर्षक तरीके से वेब पेज को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। और जो इमेज होती है, इमेज को लाने के लिए हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं, कौन सा, IMG टैग। ठीक है, IMG टैग का हम प्रयोग करते हैं इमेज लाने के लिए। तो साथ में IMG टैग जो होता है एक प्रकार से एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग का मतलब होता है हम अगर IMG डिफाइन करते हैं तो हमको इसको क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ता, यानी कि ओनली जो होता है स्टार्टिंग टैग ही इसमें प्रयोग किया जाता है, क्लोजिंग टैग का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ देखिए सिंटैक्स आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो IMG जो होता है एक टैग होता है, और मैंने बताया था एट्रीब्यूट पिछले लेक्चर में। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ टैग जो होते हैं बिना एट्रीब्यूट के काम आ जाते हैं, कुछ टैग होते हैं जो बिना एट्रीब्यूट के काम नहीं आते हैं। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप उसमें सोर्स क्या देने वाले हैं, मतलब जो इमेज होती है IMG टैग होता है, IMG टैग का हम बोल सकते हैं उसके गुण, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो SRC इसका एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम क्या देंगे, इमेज के URL यानी कि जो इमेज है उसकी लिंक का एड्रेस देंगे, और साथ में उसके एट्रीब्यूट भी हम दे सकते हैं, जैसे कि हाइट बिट दे दिए, अल्टरनेट इमेज दे दिए, सारी चीजें हम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो IMG टैग एक प्रकार से टैग है, और साथ में उसके एट्रीब्यूट हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जो इमेज है उसको वेब पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये हमने बात कर चुके हैं इसकी। अब यहाँ हम देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सारी चीजें आपको पता है, देखिए डॉक टाइप हमने जो है डिफाइन कर लिए हैं कि मतलब डॉक टाइप होता क्या है, HTML का वर्जन डिफाइन करता है। फिर HTML जो होता है पैरेंट यानी कि रूट, रूट जो टैग होता है उसकी अगर बात करें तो ये जो सारे टैग है उसको कंटेन करके रखता है, और इसी से हमको पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML यानी कि वेब पेज टाइप का है। हेड जो होता है हेडर को कंटेन करके रखता है, जहां कि हम टाइटल को प्रयोग करते हैं, टाइटल में हम जो हेडर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर हेड बंद हो गया, उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी जो होता है बीच का जो एरिया होता है, यानी कि जो पूरी चीजें होती है कंटेंट को जो अपने में समाहित करके रखता है वो बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग के अंतर्गत पी टैग हो सकता है, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, बहुत सारे टैग हो सकते हैं। तो हमने यहाँ इमेज लाने का फॉर्मेट देखे है। ठीक है, तो इमेज की बात करें, देखिए इमेज हमने लाए हैं, देखिए सी में यूजर में जो ड्राइव है सरकार स्टडी वेब, इसके डेस्कटॉप फोल्डर से स्टोर के अंतर्गत से 18 नाम की एक इमेज है जिसका एक्सटेंशन क्या है, JPG है। तो इस सारी चीजें लोकेशन सहित अगर आप देते हैं तो क्या होगा, एक इमेज हमारे वेब पेज में इंसर्ट हो जाती है। तो ये लोकेशन जो होती है हालांकि बहुत लंबी है, परंतु आपको पता रहेगा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे है, तो आप आसानी से इमेज को यहाँ ला सकते हैं। तो IMG एक टैग हो गया, SRC उसका एट्रीब्यूट हो गया, और SRC में इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर क्या देना आपको, URL। URL का मतलब होता है जो इमेज का एड्रेस है उसको देना है। अच्छा, एक और चीज, इतना एड्रेस नहीं देना हमको, तो हम क्या करेंगे, जहां पे ये वेब पेज हमारा, मान लीजिए इस वेब पेज को हमने सेव कर दिए, क्या नाम से, image.html। ठीक है, और ये सेव कहां पे है, डी ड्राइव में। ठीक है, डी ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है वेब पेज, और वेब पेज में ये सेव है, और उसी वेब पेज वाले फोल्डर में अगर हम इमेज रख देते हैं 18। ठीक है, और 18 किस टाइप की है, .jpg टाइप की है। तो .jpg टाइप की जो 18 इमेज है वो वेब पेज की जगह में अगर सेव है तो हमको सिर्फ इतना बुलाना पड़ेगा, कितना, 18.jpg, इतना एड्रेस हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पे जो है नोटपैड पहले से इसको ओपन करके रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिया हूँ पहले से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब यहाँ देखिए हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला है वो बना हुआ पहले से, हम यहाँ लिख देते हैं टाइटल में, क्या टाइटल में, आपको पता है जो टैग आप बनाओगे या जो टैग पे आप काम करोगे उसका टाइटल एक प्रकार से इमेज
वेब पेज, ये देखिए इमेज वाला जो वेब पेज है वो रख दी हमने, और बॉडी में जाकर हम क्या टाइप करेंगे, बॉडी में जाकर हम टाइप करेंगे img टैग, ठीक है। और img टैग हमने टाइप करे तो img ओनली अकेला काम नहीं करता, उसके साथ में हमको src देना पड़ता है, और src में हमको ये जो इमेज है उसका एड्रेस देना पड़ता, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, देखिए जो एक और है यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो है alt करके लिया है, alt करके क्या लिया है, टेस्ट इमेज लिखा है। तो alt करके टेस्ट इमेज क्यों लिखा है, मान लीजिए alt का मतलब होता है अल्टरनेट, और कभी कभी क्या होता है जो मेन इमेज है वो लोकेशन सर्च नहीं कर पाती, और इमेज की जगह ऐसा क्रॉस निशान आ जाता है, तो क्रॉस निशान ना आकर एक अल्टरनेटिव इमेज वहां आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ अल्टर जो एट्रीब्यूट है उसका प्रयोग करते हैं, और अल्ट लगा के इक्वल लगा, और टेस्ट इमेज जो हमारी नेक्स्ट इमेज है उसका नाम हम दे सकते हैं, मतलब एक इमेज यहाँ एड्रेस देंगे और एक दूसरी इमेज का एड्रेस यहाँ देंगे। तो अगर ये प्रदर्शित ना हो तो ये वाली प्रदर्शित हो जाती है, मतलब आप एक तरीके से उसको समझ सकते हैं कि जो गाड़ी है या जो फोर व्हीलर है गाड़ी है उसमें अगर मेन जो पहिया है वो खराब हो जाए तो क्या होता है, उसकी स्टेफनी काम कर लेती है, ठीक है। उसी प्रकार अल्टर इमेज यहाँ काम करती है। तो हम यहाँ मेन इमेज लाना देख लेते हैं, तो इमेज लाने के लिए आपके पास में लोकेशन होनी चाहिए। चलिए ये जो पेज है, पेज कहाँ पर सेव है हम देख लेते हैं, सेव हमने करे हैं पिछले लेक्चर में, हमें बेसिक से जाने थे। ये देखिए यहाँ जो पेज है हमारा कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे वेब पेज नाम का एक फोल्डर है, वेब पेज नाम के फोल्डर में हम देना देते हैं, देखिए इमेज नाम का, इमेज डॉट एचटीएमएल नाम का हमने एक बना दिया, क्या ये पेज बना दिए, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। और मिनिमाइज करने के बाद मैं इमेज ढूंढता हूँ, इमेज कहाँ है, जैसे मान लीजिए मैं स्टोर में इमेज रखी है, और यहाँ पे मैं ये जो है इसको 17 को कॉपी कर रहा, 17 18 या कुछ को भी मैं कॉपी करता हूँ, और ये वेब पेज वाले फोल्डर में लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप समझ सकते, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, इमेज नाम का एक वेब पेज बनाया, किस लोकेशन पे, डेस्कटॉप पे वेब पेज नाम के फोल्डर में, उसी लोकेशन पे अगर मैं 17 नाम की जो जेपीजी है फाइल, जेपीजी एक्सटेंशन वाली जो फाइल है, जैसे 17.jpg हम इसको लगाएंगे, तो ये जो फाइल है कहाँ पे है, कहाँ आप देख सकते हैं इमेज जहाँ है वहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हम वहां पे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे 17.jpg इतना बस अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, इमेज आपके डेस्कटॉप मतलब जो वेब पेज है उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो रन करा के देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए img वाला जो फोल्डर है मतलब जो वेब पेज वाला फोल्डर उसमें चले गए हम, और यहाँ देखिए ये इमेज आपकी आ गई है। अच्छा इमेज आपकी पूरे वेब पेज में नजर आ रही है, हमको छोटा बड़ा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट बिट ऐसे, चलो मैं alt alt इमेज करके देता हूँ, तो alt इमेज में एक और दे सकता हूँ, मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे वहां एक इमेज और कॉपी करके लाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 16 और 18 वाली जो इमेज है उसको भी मैंने कॉपी करके ला दिया, और कहाँ पेस्ट करा, ये देखिए मैंने उसी फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ जहां पे हमारा वेब पेज रखा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 16.jpg, अल्टर इमेज में क्या दे देंगे 16.jpg। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर 17 वाली जो इमेज है वो नहीं मिल पा रही है तो आपको जो है वहां पे ब्लैंक नजर ना आकर क्या आएगा, 16.jpg नजर आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिट्स दे सकते हैं, इसकी बिट्स कैसे दोगे, जैसे मान लो यहाँ बिट्स में टाइप करा और इक्वल लगाकर क्या दे रहा हूँ डबल कोट में, पिक्सल में दे दिए, जैसे हमने दे दिया 250, ठीक है। और हाइट अगर देना तो हम हाइट भी दे सकते हैं, ये देखिए ये स्पेलिंग सही लिखना आपको, और मैंने इक्वल लगाया डबल कोट के अंदर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दे, यहाँ पे मैंने कितना 450, ठीक 450 ना लिख कर इसको 250 है तो ये 150 कर दो, और ये मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि हमने पीछे जो है पिछली बार में करा था, तो यहाँ मैं छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारी इमेज जो है छोटी हो गई है। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो इमेज है, इमेज में हम एक तरीके से src एक एट्रीब्यूट हो गया उसका, दूसरा एट्रीब्यूट हो गया अल्टरनेटिव इमेज, मतलब अगर ये इमेज ना आए तो दूसरी इमेज आ जाएगी, और तीसरा एट्रीब्यूट हो गया बिट्थ, और उसके बाद हो गया हाइट, ठीक है। बॉर्डर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। एक और जो एट्रीब्यूट है उसका क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर को इक्वल लगा कर क्या दे दो, से 5 दे दिए, ठीक। सेव करो, और सेव करने के बाद यहाँ जाके आपको रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हैं देखिए ये बॉर्डर आ गई है। बॉर्डर अगर आप चेंज करते हो 10 करते हो और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हो तो देखो बॉर्डर आपकी 10 आ गई है, और अगर मैं बॉर्डर को कम कर देता हूँ तो कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए ये ठीक है। और बॉर्डर 0 रखना है तो आप 0 रख सकते हैं, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी आप उसको रन करा सकते हैं, देखिए बॉर्डर 0 आई है। तो ये तो बात हो गई किसकी, इमेज लाने की, ठीक है। हम और देख लेते हैं हमारे पीपीटी में, तो देखिए
अलाइन भी हम दे सकते हैं, जैसे मैं विड्थ दे दिया मैंने, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, बॉर्डर देखे देख लिए और अलाइन दे सकते हैं। तो अलाइन भी हम प्रयोग करके देख लें। ये देखिए मैं अगर इसके बाद मैं यहाँ एट्रीब्यूट प्रयोग करता हूँ अलाइन, और अलाइन में कर देता हूँ क्या सेंटर, और यहाँ सेंटर करने के बाद मैं सेव करता हूँ और ये हमारे वेब पेज में जाता हूँ। ठीक, ये देखिए इसको बड़ा करो और यहाँ चेंज करके देखते हैं हम। चलो यहां मैं चेंज कर देता हूं, ये राइट कर देता हूं। ये देखिए ये हमारा जो है जो अलाइन वाला है एट्रीब्यूट वो भी काम कर लिया है। ठीक है, तो हमने इमेज में पूरी तरीके से मतलब हमने इमेज कैसे काम करे हैं यहाँ पे हमने देख लिया, इमेज कैसे लेके आते हैं। उसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपने जो है वेब पेज की जगह में फोटो को पेस्ट नहीं किया है तो उसके लिए कैसे लेके आते हैं इमेज को, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ सेम टू सेम मैं यहाँ नीचे कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे, और हम बाहर की कोई इमेज लाना चाहते हैं, बाहर की कोई इमेज लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जो इमेज लाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, जो लोकेशन दिख रही है उसको कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आपको एक और स्लैश लगाना और बैकग्राउंड डॉट जेपीजी लिखना, यानी कि एक्सटेंशन जो भी रहेगा वो एक्सटेंशन आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ जो 17 है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद देखिए स्टोर के साइड में मैंने क्या बोला, एक स्लैश लगाना है और यहाँ क्या लिखना है, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। ठीक है, ये मैंने सेव करा और वेब पेज में जाकर क्या करूंगा, मैं रन करूंगा। ये देखिए दो इमेज आ गई हमारी, मतलब एक लोकेशन के तौर पर अभी आ गई और एक जगह पे जहां वेब पेज सेव है वहां से भी हमने इमेज को उठाकर ला लिए हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे बन जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो टैग है हमारा कौन सा, टेबल टैग। ठीक है, तो टेबल टैग की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, जैसे मान लीजिए रोल नंबर है या फिर हम बोल सकते हैं एड्रेस है या फिर जो कोई टेबल है उसको हम वेब पेज में मैनेज करना चाहते हैं, तो वो जो ऑथर होता है उसको अलाउ करता है डेटा को अरेंज करने का, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिंक हो सकती है और अदर कोई टेबल हो सकते हैं। ये सारी चीजों को मेंटेन करा जाएगा किसके फॉर्मेट में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में, इसी को बोला जाता है कैसा, टेबल। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इस फॉर्मेट में अगर रख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये रो हो गई ये वाली और ये हो गया कॉलम, तो इनको इस फॉर्मेट को हम बोलेंगे क्या, टेबल। ठीक है, और टेबल में हम अगर बात करें यहाँ पे तो किस टैग का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले तो हम प्रयोग करेंगे टेबल टैग का प्रयोग, और टेबल टैग के अंतर्गत हम क्या लाते हैं, रो लाते हैं, तो टेबल रो का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, TR, और उसके अंतर्गत हम क्या लाएंगे, सेल लेके आएंगे, छोटे छोटे सेल लेके आएंगे जिन्हें हम कॉलम बोल सकते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे TD। तो तीन चीजें मुख्य रूप से याद रखना आपको, टेबल, TR और TD, तीन चीजों को मिलाकर हमारा जो है टेबल बन जाएगा। अब यहाँ बात करें हम तो रेगुलर जो टेबल होता है उसका जो अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है, परंतु हम उसका अलाइन चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम राइट भी कर सकते हैं और उसके अलावा उसका जो अलाइन हम सेंटर भी कर सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं, या तो बाय डिफॉल्ट पड़े रहने दो, आप बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है उसको रहने दो, या फिर आप राइट कर सकते हैं या लेफ्ट कर सकते हैं या फिर सेंटर कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार उसको मैनेज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे बेसिक टेबल की, तो बेसिक टेबल कैसे, ये देखिए हमने डॉक टाइप, ये बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वही चलेगा, HTML है, हेड है और टाइटल, हेड बंद हो गया हमारा, अब बॉडी स्टार्ट हुआ, तो ये चीजें तो आपको पता है, देखिए बॉडी आपकी यहाँ बंद हो गई है, तो बॉडी के अंदर ही हम टेबल लेके आना है। ठीक है, तो टेबल टैग लिखे हमने, ये देखिए टेबल टैग लिखे और बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर अगर नहीं दोगे तो ये बॉर्डर जो है जीरो आएगी, हमारा आउटपुट दिख रहा है इस प्रोग्राम का, तो बॉर्डर हमने दे दिए वन, तो यहाँ देखिए वन जो विड्थ है बॉर्डर की वो आ गई है। उसके अलावा ये जो है रो शुरू करे हमने, तो TR शुरू होगी और TR बंद होगी, उसके अंदर हमने कितने कॉलम लिए है, एक और दो, तो क्या लिखे अपन ने कॉलम के लिए, TD और TD, और TD शुरू हुई तो TD बंद होगी, और अंदर जो मटेरियल लिखना वो हम लिख दिए, और लिखने के पश्चात क्या हुआ, रो वन का कॉलम वन ये हमने देखे, रो वन का कॉलम टू ये हमने देखे, इसके अलावा TR क्लोज हो गई, एक रो बंद हो गई, मतलब जैसे ही आप नीचे एंटर करोगे तो आपको रो बंद करना पड़ेगा, यानी कि TR को क्लोज करके आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट रो अगर स्टार्ट करना तो फिर से हमने TR शुरू करे, और TR के अंतर्गत फिर से हमने देखिए दो कॉलम लेना चाहे हैं, तो दो कॉलम आपका आ गया क्या, TD और TD, तो TD जो है रो टू का कॉलम फर्स्ट और रो टू का कॉलम टू, यानी कि देखिए ये वाला देख सकते हैं, रो टू का कॉलम वन और रो टू का कॉलम टू, तो ये जो है दो रो अगर लेना हम तो TR को हमने क्लोज कर दिए, और एक और नेक्स्ट लेना तो हमको फिर से TR को शुरू करना पड़ेगा, और अंदर TD TD लेकर क्या करना पड़ेगा, फिर से TR को
क्लोज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक रो और जुड़ जाएगी और जब लास्ट में एंड हो जाए तो हमारा टेबल टैग क्या हो जाता है, क्लोज, और बॉडी तो ऑलरेडी क्लोज करने पड़ेगा और एचटीएमएल भी। इसको हम प्रयोग करके देख लेते हैं कहां पे, ये हमारा जो है एक नया पेज बनाते हैं हम, ये नया ले लेते हैं और यहाँ लेकर हम जो है बॉडी तक का जो स्ट्रक्चर है वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हो गया क्या हो गया, एक जो खाली वेब पेज है वो हो गया। तो मैंने क्या बताया, टेबल हमको लिखना है, ये हमने टेबल लिखे और टेबल जब लिखते हैं आप तो टेबल को आपको तुरंत क्लोज कर देना है। क्लोज क्यों कर देना, क्योंकि जब बाद में जो है उसको क्लोज करने की दिक्कत खत्म हो जाती है। फिर हमने क्या लिया, यहाँ पे टीआर लेना है और टीआर को भी आपको क्या क्लोज करना है, ये देखो फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देना है। और उसके अलावा आपको कितनी टीडी यानी कि कितने सेल लेना है वो डिपेंड करता है टीडी पे। तो टीडी हमने लिखे और हम यहाँ लिख देते हैं क्या, मान लीजिए रोल नंबर लिखा मैंने और टीडी को क्या करना है जब काम खत्म हो जाए तो एंड। ठीक है, फिर से आपने क्या लिखे, ये लिखे और यहाँ लिखना नेम और फिर उसके बाद क्या करें टीडी। ठीक, इतना हम बनाकर देखते हैं अभी, ये मैं सेव करता हूँ और इसका नाम क्या कर देता हूँ, टेबल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, जैसे टेबल पहले से बना हुआ है टेबल वन डॉट एच टी एम एल में कर देता हूँ और ये मैं एंटर करता हूँ। और ये किस लोकेशन पर सेव है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर सेव है। तो डेस्कटॉप से हम क्या कर लेते हैं उसे, ये डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे हम गए और यहाँ पे जो वेब पेज है, वेब पेज में हम देख सकते हैं टेबल वन हमने बनाए हैं। तो टेबल वन बनाए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए रोल नंबर नेम तो आ गया है परंतु वो टेबल फॉर्मेट में नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है ये भी बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने टेबल ओनली टेबल दी है जबकि हमको उसका एट्रीब्यूट बॉर्डर भी देना पड़ेगा और बॉर्डर देने के बाद उसको जो है डिफाइन भी करना पड़ेगा कि कितनी बॉर्डर आप देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 उसका दे देता हूँ वैल्यू, तो 3 वैल्यू अगर देता हूँ और सेव करता हूँ, यहाँ रन करके देखते हैं, देखिए बॉर्डर आ गई है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि टेबल के अंदर अगर बॉर्डर दे देते हैं तो उसकी बॉर्डर आ जाती है आसपास। ठीक है, अब हम नीचे जो है एक और रो लेना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से फिर से टाइप करेंगे क्या, टी आर टाइप करेंगे। ये देखिए टी आर टाइप करे, रोल नंबर हमको यहां से टाइप करना, तो हमने रोल नंबर दे दिए 1101 और नाम दे दिए, ये दे दी हमने नाम। और इसको मैं सेव करके ऐसा और रन करा के देखता हूँ फिर से, तो देखिए एक रो नीचे जुड़ गई है। तो इस प्रकार हम ऐसे जोड़ते जाएंगे। अगर आपको कॉलम जोड़ना है तो आप जो पहले वाला है उसमें भी आप क्या करोगे, टीडी जोड़ोगे और यहाँ पे कोर्स दे दोगे। ठीक है, और कोर्स को जो टीडी है उसको भी क्लोज करोगे और यहाँ जाकर फिर से आप यहाँ भी एक और टीडी जोड़ोगे। ये टीडी हमने जोड़े और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, जैसे एमसीए कर दिए और ये टीडी को क्या कर दिए बंद। और जाकर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये एक और कॉलम हमारा जुड़ गया और उसके वैल्यू के साथ, मतलब हेडिंग अलग हो गई और ये क्या हो गए, हमारे वैल्यू अलग हो गई। तो ये तो बेसिक है हमारा जो टेबल है बनाना देख लिए। अब हम देखते हैं अगला पीपीटी में क्या है। तो टेबल की हेडिंग की बात करते हैं, तो टेबल हम नॉर्मली क्या होता है, टीडी टाइप करते हैं, जो टीडी है उसको टाइप करें हमने, परंतु हम प्री डिफाइन यानी कि बिना फॉन्ट टैग यूज किए अगर हेडिंग को बोल्ड करके और सेंटर में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम टीडी की जगह इसको रिप्लेस करके क्या लिखते हैं, टीएच लिखते हैं। ठीक है, टीएच लिखोगे और टीएच लिखोगे, टीएच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। तो टीडी का इंस्टेंस होता है एक तरीके से, मतलब टीडी के रिप्लेसमेंट में जो है हम टीएच का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां देखिए हम इसका प्रयोग करके देखें तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर नेम कोर्स है वो उसी की फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि नीचे वाला जो जितनी फॉर्मेटिंग है उतनी फॉर्मेटिंग यहाँ भी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, टीडी को टीएच में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे बंद भी क्या करना है आपको, टीएच ही करना है। जैसे यहाँ बात करें हमने टीएच इसको भी कर दिया और टीएच इसको भी कर दिया, तीनों को टीएच कर देते। ठीक है, और आप सेव करके देखो, जैसे इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ मैं रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है रोल नंबर नेम कोर्स है वो टीएच में है, इसलिए यहाँ देखिए बोल्ड के फॉर्म में यानी कि हेडिंग टाइप वो नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ देखिए टेबल हेडिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टीएच, और नहीं तो नॉर्मली क्या यूज करते हैं हम, टीडी। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। उसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया टेबल हेडिंग की बात करें, अब बात करते हैं सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग की। तो सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग होती क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए दो चीजें होती है, एक तो ये जो रोल नंबर सेल है और नेम सेल है ये एक दूसरे से कितना दूरी पे है, और एक और चीज डिपेंड करती है कि देखिए जो बॉर्डर है, जो रोल नंबर है उसकी बॉर्डर है और अंदर टेक्स्ट है, ये बॉर्डर से टेक्स्ट की दूरी कितनी है। तो एक चीज हमने क्या देखे, दो सेल या दो से अधिक सेलों के बीच की दूरी, और सेल
के अंतर्गत जो कंटेंट है और उसकी बॉर्डर से दूरी, तो जो सेल और सेल की दूरी होती है उसे सेल स्पेसिंग से बढ़ाते घटाते हैं, और अंदर की जो वैल्यू होती है यानी कि बॉर्डर से कंटेंट के बीच की दूरी, इसको हम किससे बढ़ाते घटाते हैं, सेल पैडिंग से। तो दोनों ही डिफाइन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको एट्रीब्यूट टेबल का है, तो टेबल का एट्रीब्यूट एक तो हम देख लिए बॉर्डर, और दूसरा एट्रीब्यूट हम देखेंगे अब क्या, सेल स्पेसिंग, और उसके बाद देखेंगे सेल पैडिंग। तो हम देख लेते हैं यहाँ सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग हमने दिए और यहाँ पे इक्वल लगा के हमने क्या दे दिए, एक दूसरे से कितने दूरी पे रहना चाहिए, 5। ठीक है, सेव करते जाओ और एक एक करके रन करा के देखते जाओ। देखिए एक सेल से दूसरे सेल की दूरी आपकी बढ़ गई है, और बढ़ाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप उसको और बढ़ा सकते हैं। इसको सेव करें, और सेव करने के बाद यहां देखो, ये देखिए और दूरी बढ़ गई। अब रोल नंबर और उसके बॉर्डर की दूरी हमको घटाना बढ़ाना है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सेल पेडिंग। सेल पेडिंग जैसे ही आप इक्वल लगा के क्या दोगे, नंबर दोगे यानी कि वैल्यू दोगे, ये 5 हमने देख लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कितनी दूरी है, और आप उसके रिफ्रेश करने के बाद देखोगे तो कितनी दूरी है। तो दोनों ही चीज आप समझ गए होंगे, सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग। ठीक है, हाइट बिट्स भी हम दे सकते हैं, जैसे ये मैंने दे दिया टेबल की हाइट। ठीक है, टेबल की हाइट हालांकि बाय डिफॉल्ट रहती है, परंतु हम उसको दे भी सकते हैं। ठीक है, ये मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ। इसको मैं सेव करा के अगर मैं रन कराता हूँ, तो देखिए ये देखिए हमारी जो टेबल है उसकी हाइट बदल गई है। चलिए इसकी जो हाइट है मैं 200 कर देता हूँ, और 200 करने के बाद अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये देखिए हाइट उसकी चेंज हो गई है। और इसके साथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं विड्थ के रूप में भी, जैसे मैंने ये विड्थ दिया और इक्वल लगा के मैंने यहाँ क्या करा, विड्थ दे दिया मान लो, इसको भी मैं कर देता हूँ 200, और 200 करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 200, और अगर बढ़ाते हैं तो वो भी हो सकता है, जैसे 300 करता हूँ तो 300 भी क्या हो जाएगी, देखिए टेबल की जो है विड्थ चेंज हो गई है। तो इस प्रकार से हम हाइट विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में बॉर्डर का प्रयोग आपको करना ही है। इसके अलावा एक और चीज अगर बात करें हम यहाँ पे, तो कॉल स्पेन और रो स्पेन होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो रोल नंबर, नेम, एड्रेस होता है, कोर्स होता है, उसके ऊपर एक और हेडिंग आती है। तो एक और हेडिंग आती किस लिए आती है, तीनों को जो तीनों सेल है उसको आपस में हम मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करके एक ही सेल उसको बना देते हैं, और वहां लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल। तो आपको क्या करना है, जो टीएच है, टीएच के ऊपर क्या करना है, एक और टीआर लेना है। तो हमने यहाँ लिए टीआर, और टीआर लेने के बाद टीआर को आपको पता है क्लोज करना पड़ता है, तो ये टीआर को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक टीडी लेना है। अब टीडी तो एक ही आएगी, जैसे हमने लिखे यहाँ स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, और टीडी को आपको क्या करना है, क्लोज। ये मैंने टीडी को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके और रन करा के देखता हूँ, तो जो ऊपर का मटेरियल है वो तो नॉर्मल जैसे स्टूडेंट डिटेल है, अभी ये कंप्लीट यहां तक आना था, परंतु हमने टीडी लिखे ओनली और एक ही सेल लिखे, तो अब दूसरे में तीन तीन सेल है और इसमें एक है, तो ऐसा तो होना ही है। तो हम क्या करेंगे, जो तीन सेल है तीनों को तोड़कर एक में मर्ज कर देंगे। तो कॉल स्पेन का मतलब होता है कॉलम को काटना, जैसे कि हम रोल नंबर, नेम और कोर्स को काट के एक बनाते हैं, तो क्या कहलाएगा वो, कॉल स्पेन। और अगर स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर और 1101 यानी कि रो को तोड़कर एक बनाएंगे, तो उसे बोलेंगे रो स्पेन। तो सबसे पहले कितने कॉलम को स्पेन करना है, 1 2 3, तो उसके लिए स्पेस लगा के क्या लिखते हैं, कॉल स्पेन। और कॉल स्पेन में कितनी वैल्यू देते हैं, जितनी आप मर्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं 3 को मर्ज करना चाहता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ रिफ्रेश कराऊंगा, देखिए जो स्टूडेंट डिटेल है वो कंप्लीट तीनों को मर्ज करके एक बन गया है। ठीक है, अब रो स्पेन की अगर बात करें, तो एक रो और बढ़ा लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एंटर करता हूँ और एक रो और बढ़ा लिया मैंने। ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करा, सेव करने के बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो रोल नंबर है वो, दोनों जो रोल नंबर है वो 1101 1101 सेम है। तो हम, मैं चाहता हूँ कि एक ही, मतलब एक सेल आए यहाँ पे, दोनों जो बॉर्डर है वो तोड़कर वो एक सेल बन जाए यानी कि मर्ज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, रो स्पेन। रो स्पेन कहाँ करना है मेरे को, ध्यान दो जरा, 1101 वाले सेल में। तो 1101 वाला सेल पहला है, दूसरा वाला सेल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको एक ही वैल्यू लेना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला सेल को हटा देंगे यहाँ से, और जब अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो हमको 1101 वाले में जाना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, रो स्पेन, और यहाँ इक्वल लगा के कितने सेल को तोड़ना है बताओ जरा, 2। ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे हम अंदर जाकर क्या, 2 2 लिख दिए, और सेव कराओ और रन कराओ। रन करा के आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कॉल स्पेन भी हो गया और रो स्पेन भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा टेबल में हम बैकग्राउंड ला सकते हैं। देखिए अगर हम टेबल के अंदर एट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो यहाँ पे बीजी कलर,
बीजी कलर अगर देंगे हम तो बीजी कलर में हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए येलो दे देता हूँ। येलो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लाइट कलर है, अच्छा दिखेगा। और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ रन कराता हूँ। देखिए ये येलो कलर आ गया है। अगर हमको बीजी कलर नहीं देना है तो हम साथ में क्या दे सकते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ मैं बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप पिक्चर ला सकते हैं। पिक्चर कैसे, जो टेबल है टेबल के बैकग्राउंड में आप पिक्चर को ला सकते हैं। तो पिक्चर को लाने के लिए हमने क्या लिखे, देखिए टेक्स्ट मतलब कलर को लाने के लिए हम बीजी कलर लिखेंगे और बैकग्राउंड किसके लिए लिखेंगे, पिक्चर को लाने के लिए। पिक्चर का एड्रेस आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। तो मैं पिक्चर वाली लोकेशन पर चला जाता हूँ। ये देखिए जैसे मान लो ये वाला पिक्चर हम मेरे को लाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इस सेल जो पिक्चर है उसके एड्रेस को कॉपी किया मैंने और 18.jpg में स्लैश लगा के लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां मैं पेस्ट कर दिया कहां पे, बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट के अंदर और एक ऐसे मैंने स्लैश लगाया, ये लगाया मैंने स्लैश। ठीक है, ये स्लैश लगाया और यहां लिख दिया मैंने 18.jpg। ठीक है, और जब मैं सेव करा के इसको रन कराता हूं तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो आ गई है। तो पिक्चर भी ला सकते हैं हम, और नहीं तो पिक्चर नहीं लाना आपको, जैसे मैंने IMG टैग बताया था, IMG टैग जैसे यहाँ पे भी बैकग्राउंड में हम सिर्फ बैकग्राउंड बदलेगा, मतलब हम IMG लगाते थे तो यहाँ बैकग्राउंड लगाएंगे इक्वल टू में वही एड्रेस देंगे जो हम वहां देते थे। तो हम यहाँ बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ, कलर दे देता हूँ, यहाँ पे बीजी कलर दे दिए, ये मैंने बीजी कलर दे दिए, इक्वल टू में लगा के मैंने क्या दे दिया, श्यान, श्यान यानी कि लाइट कलर आएगा। देखो ये देखिए ये वाला कलर आएगा। तो इस प्रकार आपने जो टेबल में बहुत सारी चीजें देखी, हम पीपीटी में जाकर अगर देखेंगे तो हमने क्या देखे, कॉल स्पेन भी देख लिए। कॉल स्पेन का मतलब होता है ये जो टेबल है, ये टेबल है, इन तीनों बॉर्डर को तोड़कर एक बना देना, यानी कि क्या कहलाएगा वो, कॉल स्पेन। ठीक है, और अगर ये वाली इधर की बॉर्डर को तोड़कर एक बनाना चाहते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, रो स्पेन। ठीक है, और TH हमने किस लिए प्रयोग करे, टेबल हेडिंग के लिए। टेबल हेडिंग या तो रो में भी दे सकते हैं या फिर कॉलम में भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ डिस्प्ले में भी आपको नजर आ रहा, देखिए यहाँ मल्टीपल सेल को तोड़कर एक बना दिया यानी कि कॉल स्पेन, और रो को तोड़कर एक बना दिया यानी कि रो स्पेन। टेबल का बैकग्राउंड हमने देखे दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो बीजी कलर और दूसरा बैकग्राउंड। बीजी कलर का मतलब होता है कोई कलर आप डिफाइन कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का मतलब होता है क्या, आप कोई इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं, एड्रेस को कॉल कर सकते हैं उसे। ठीक है, साथ में बॉर्डर कलर भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट के माध्यम से। ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो है कलर आ गया है, और यहाँ पे जो है हमारी पिक्चर भी आ चुकी है। हाइट बिट हम टेबल की दे सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं टेबल की हाइट बिट। बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, क्या जो बॉर्डर कलर है वो ग्रीन दे सकते हैं या फिर और कोई कलर, लोगो जो बैकग्राउंड में वो लाना हमने देख लिए, और जो टेबल है वो कंप्लीट हमने देखे। तो और अगर ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जो अगले टैग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसी वीडियो में देखने लगे तो वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो पहले उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को आप क्लिक करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।